हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक हैं। सबको मेरी तरफ से चांद रात मुबारक हो। निकले बाहर लास्ट लास्ट अफ्तारी की है और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया है और फिर हमेशा की तरह हर चांद रात में हम लोग जाते हैं बाहर। सबसे पहले ये शीशा देखें, गंदा हुआ हुआ है काफ़ी। इनकी पूरी गाड़ी गर्म जो सा है गंदी हुई हुई है। और जो सा है, सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसको बाहर बाहर से, यानी कि फुल वॉश तो नहीं करवाते, बहरहाल बाहर बाहर से वॉश करेंगे। और इसके अलावा ये देखें, आई थिंक सर लूडो चल रही है भाई। लूडो ये देखें, ये लूडो चल रही है। हाँ, वो आपको नज़र आ गई होगी लूडो। तो अवाम जो सा है ना, रमज़ान वाली रूटीन आज भी उन्होंने रखी हुई है। हमारी रूटीन ख़त्म हो चुकी है रमज़ान के, तो कह लें कि हमने सारा रमज़ान इधर राफेल लॉ की हवेली में गुजारा है। और वहाँ पे यानी कि रात को 10-11 से लेके सुबह सहरी और सहरी हम बाहर ही करते थे। तो ये सारा सीन हमने किया है। बट आज क्योंकि चांद रात है तो आज तो हम लोगों ने हमेशा की तरह बाहर ही होना है। बट इन लोगों ने आज भी वही रूटीन रखी हुई है। ये मेन रोड है हमारा, दम्याल रोड, और इसके ऊपर ही हमेशा खेलते हैं रात को। और हम भी जैसे खेलते हैं थे ये, मतलब हवेली में। तो बस अभी हो गया पैकेज, वो नहीं होगा। बस पैकेज शैकेज मार दी होंगे। इंटरनेट हमारे पास बिल्कुल नहीं है। और अभी जाएंगे सर्विस स्टेशन, कोई ना कोई खुला हुआ शेल पे जाते हैं, वहाँ से पानी भरवाना है, गाड़ी थोड़ी साफ़ सुथरी हो जाए। और फिर निकलते हैं आगे, देखते हैं कि कहाँ जाते हैं, किधर का सीन बनाते हैं। तो मिलते हैं आपसे सर्विस स्टेशन पे, देखते हैं और मिल जाए गाड़ी वॉश कर दी, बहुत गंदी हुई है। ये देखें जी, शेल पंप पे पहुंच गए और बाहर निकलने वाला सीन नहीं है, क्योंकि यार बस जो है ना, थोड़ी सी वॉश करवानी है बाहर से, अंदर से साफ़ सुथरी। और हिम्मत भी नहीं है बाहर जाने की। तो इनको मैंने कहा है कि बाहर बाहर से बस जो है ना, पानी मार दें और ज़रा वॉश वॉश अच्छे से कर दें। बस यहाँ से फिर अब जाएंगे वापस, पेट्रोल डलवाएंगे और फिर निकलेंगे। इस्लामाबाद जाएंगे, देखते हैं कहाँ जाते हैं। इस्लामाबाद ही जाते हैं। ओके जी, तो श्रीनगर हाईवे पे आ गए हैं। घर से निकलवा ली थी हमने उधर से, तो फिर वहाँ अपने की तरफ आजकल रोड ऐसे हुए हैं कि फिर मैं दिल नहीं किया बनाने का। तो ये है कि इस्लामाबाद में ये श्रीनगर हाईवे पे पहुँच गए हैं। और यहाँ से चेक करते हैं कोसार मार्केट, इस्लामाबाद F7, वहाँ जाते हैं। वो भी हमारी उसकी तरह ना, बैरिया की जैसे कह रहे हैं कि फूड स्ट्रीट है या सदर की फूड स्ट्रीट है, तो ये ज़रा अच्छी क्वालिटी में फूड स्ट्रीट ही कह लूँ इसको। वहाँ पे जाके देखते हैं कि यार इशू तो नहीं कह सकते, लेकिन 2% या 4% की सो डील होती है। पर जिस दिन हो ना, तीन बंदे क्यों रहा भाई, उस दिन पे थोड़ा ढूंढना पड़ता है। क्योंकि या तो डील हमें वो दिखाते हैं 2% वाली, यहाँ पे दिखाते हैं वो 4% वाली। तो आज फिर हम लोग तीन है, मोस्टली हम लोग तीन होते हैं यार, क्योंकि हमारा डॉट शाह भाई जो है वो जॉब पे लग चुका है सदर में। तो वो तो आप उसको मतलब कहना फिल्म में से खारिज ही कर रहे हैं, समझे उसको, वो नहीं है। अब हम तीन रह गए और देखते हैं यार जहाँ के, क्या पता चांद रहा डील शील क्या लगी है क्या नहीं लगा, कुछ पता नहीं है। तो जाएंगे तो पता चलेगा। मैंने भी ऑनलाइन चेक की है सारी, वो तो जिनसे ना रमज़ान डील दिखा रहा है, वो दानिश भाई ने देख लिया पीछे से, कहता है भाई ये तो रमज़ान डील देख रहे सारे। वो मैंने एक डील देखी है, मैंने कहा ठीक है ओके ये डन है। तो ठीक है भाई, ये तो रमज़ान डील है, मैं सारी डीलें देखो, सारी जो है ना डीलें वो हैं, कैसे कहते हैं रमज़ान भाई। ये तो जाके वहाँ पे पता लगेगा गाइस। तो जाते हैं वहाँ पे कोसार मार्केट F7, तो वहाँ पे देखते हैं क्या डील लगे, मिलते हैं आपसे वहाँ पर। ओके जी, हम पहुँच चुके हैं कोसार मार्केट F7, और ये सामने इस्लामाबाद की फूड स्ट्रीट पार्किंग है। ये सामने हमने अपनी लारी पार्क लगा दी है और ये सामने है, और जाते हैं अंदर देखते हैं क्या सीन है यार, कहाँ पे हमारे मनपसंद डील लगी हुई है, देखते हैं अंदर। ये सामने ये ओके जी, ये देखें हम पास पहुँच चुके हैं। सबसे पहला हाउडी, हाउडी भी चेक करते हैं डील लगी है या नहीं। यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड हैं, शापर का हार्डीज नहीं है यहाँ पे, बाकी सारे हैं। तो देखते हैं कि यार कहाँ पे हमें जैसे ना मनपसंद, यार इतना रश तो नहीं है यहाँ पे, हालांकि चांद रात है।
तो सीन मेरे हिसाब से तो ये है कि लोग है ना खाने पीने वाली जगह कम और मतलब शॉपिंग वाली जगह पे ज़्यादा होंगे, लेकिन मुझे लगा था यहाँ पे रश होगा काफ़ी, बट यहाँ पे तो बिल्कुल सुनसान है। हाँ ये भी ठीक है, लेट हो गए काफ़ी लोग यहाँ पे, आफ्टर अफ्तारी वाला सीन होगा क्योंकि अभी ख़त्म हो चुके हैं। बाकी शॉपिंग वाली जगह पे मे भी हो, लेकिन ये कि बिल्कुल यहाँ पे सुनसान है। बहरहाल चले जी देखते हैं कहाँ बैठते हैं और फिर आपको दिखाते हैं क्या ऑर्डर करते हैं। ये देखें जी इस्लामाबाद में डॉट चार्जर अमेरिकन गाड़ी है और ये ज़िंदगी पहली दफ़ा मैंने देखी है। ये देखें ज़रा हैवी किस्म का सीन है, अपनी वाली गाड़ी तो क्या लग रही है फिर पता ही आपको। ओके हबीबीज़, तो ऑर्डर हमने कर दिया बर्गर फेस्ट से और ये देखिए आज चांद रात है तो बाकी इस्लामाबाद तो सुनसान है, लेकिन यार यहाँ पे देखिए आप कौन सा है ना वाकई लग रहा है चांद रात है। और मेरे हिसाब से पूरे इस्लामाबाद में एक यही जगह है जो सा है ना ये ओपन है और बड़ा फिट किस्म का सीन है। यहाँ पे रश आप देख सकते हैं सारा और यहाँ पे सिटिंग जो सा है एरिया वो तो बिल्कुल फुल ऑफ फुल है, और अगर हम आधा पौना घंटा भी खड़े हों इवन घंटा भी खड़े होंगे तो भी जो है ना यहाँ पे हमें जगह नहीं मिलनी। और ये जगह देखते हैं यार के ऑर्डर कितनी देर में। देख बाजी हम अभी खाने का वेट कर रहे हैं और अभी हम एयरपोर्ट में हैं, एफ सेवन से आएंगे तो तेरे पास आराम से आएंगे, मतलब 2:10 घंटा एक और। ओके जी, तो यार वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था तो ये हमने ऑर्डर अपना उठा के जो है ना गाड़ी में ले आया है क्योंकि वहाँ पे वारा नहीं है भाई, एक तो इतना शोर और दूसरा वो एक हद तक की जो है ना वो बर्दाश्त होता है, तो बहरहाल गाड़ी में ले आए हैं और यहाँ पे खाएंगे। और टाइम इस टाइम हो चुका है तकरीबन क्या एक होने वाला होगा, हाँ तो ये घर पहुँचेंगे 1:30 तक ही, फिर देखते हैं क्या सीन है, गेम होती है या सोते हैं। बहरहाल तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह गेम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।